हिमाचल प्रदेश से मानसून 2 अक्टूबर को विदा हो गया है। 27 जून से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में सामान्य से 18% कम बादल बरसे हैं। 27 जून को मानसून ने कुछ देरी के साथ हिमाचल में एंट्री की थी। शिमला, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा में सामान्य और चंबा, ऊना, हमीरपुर, सोलन, किन्नौर, लाहौल स्पीति में सामान्य से कम बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 69% कम बारिश हुई है। 5 और 8 अक्टूबर को चंबा और लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान निचले मध्यवर्ती स्थानों पर मौसम साफ रहेगा, जिससे दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। क्या कहना है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा का, सुनिए। मॉनसून है वो कल 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश से विड्रॉ हो चुका है। आंकड़ों की बात करें तो पूरे प्रदेश में जो बारिश है वो सामान्य से 18% कम थी, जो कि सामान्य की श्रेणी में आती है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में सामान्य के आसपास बारिश दर्ज की गई है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा, ऊना, हमीरपुर, सोलन, किन्नौर, लाहौल स्पीति है, यहाँ सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई पूरे सीजन में। सबसे अधिक थी वो अगर डिपार्चर वाइज बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में थी, जहाँ सामान्य से 15% अधिक बारिश दर्ज की गई है। जो सबसे कम थी वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में थी, जहाँ मतलब -69% कम बारिश दर्ज की गई है सामान्य से। और देखिए, अगर मंथ वाइज बात करें तो जून माह में जो बारिश थी वो -54% थी, जुलाई में -29%। तो जून और जुलाई में जो बारिश थी इस सीज़न में सामान्य से कम दर्ज की गई। फिर अगस्त में जो बारिश थी वो सामान्य के आसपास दर्ज की गई थी, -5% थी। और सितंबर माह में सामान्य के आसपास दर्ज की गई थी, 4% थी एक्चुअल से। तो ओवरऑल जो सीज़न है वो सामान्य रहा इस वर्ष। और आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो केवल 5 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को जो हमारे जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट है चंबा वाला हॉस्पिटल, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे प्लेन के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, इनमें मौसम आगामी 4 से 5 दिन मुख्यतः साफ रहेगा। और जो दिन के तापमान हैं वो अभी जो हमारे प्लेन क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक चल रहे हैं। और संभावना यही है कि आगामी 4 से 5 दिनों में स्पेशली प्लेन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ काफ़ी स्थानों में जो दिन के तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।